गुरुग्राम में मॉनसून के दौरान फिर महाजाम जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए बादशाहपुर ड्रेन के 33 मीटर भाग पर वर्षों से चले आ रहे विवाद का गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की पहल से आखिरकार हल हो गया है। अब जीएमडीए ने ड्रेन के इस हिस्से पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है, जिसके पूरा होने पर इस हिस्से में भी ड्रेन की बरसाती पानी निकासी की क्षमता 800 क्यूसिक से बढ़कर 2300 क्यूसिक हो जाएगी। इससे गुरुग्राम वासियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से काफी हद तक राहत मिलेगी। इसी पर देखिए आकाश खुराना की रिपोर्ट। हर साल गुरुग्राम मॉनसून आते ही डूब जाता है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर अंडरपास पानी में डूब जाते हैं। जल निकासी के लिए हर साल संबंधित एजेंसियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, जिसके बावजूद भी शहर की सड़कों पर पानी जमा रहता है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, संबंधित एजेंसियां गुरुग्राम में पानी पानी ना हो इसके लिए क्या तैयारियां कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। इसी खबर को लेकर हमने नगर निगम के जोन 3 के ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा आप भी सुनिए। सर, मॉनसून आने वाला है तो नगर निगम किस तरह से तैयार है? मॉनसून आने से पहले ही हमारे कमिश्नर साहब ने, हमारी जो एडिशनल कमिश्नर है मैडम जसप्रीत कौर को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया था, और शहर से हमने सुझाव भी मांगे थे। उन्हीं सुझावों के आधार पर और साइट इंस्पेक्शन के आधार पर जितने भी नाले नेचुरल नाले हैं उनकी हमने सफाई करवा दी है, जितनी भी ड्रेन है उनकी सफाई करवा दी है। आपने देखा होगा जैसे गलेरिया रोड पर भी काम चला हुआ है और सिकंदरपुर में भी काम चला हुआ है, और जितनी भी ड्रेन थी उनकी हमने प्रीफैब दीवार बना के जेसीबी से बिल्कुल क्लियर करा दिया है। जिस तरह शहर में पानी भर जाता है, पिछली बार भी देखा कि जो अंडरपास है वो भर गए, तो अब वो उस समय कुछ बारिश ज़्यादा हुई थी, इस तरह की नौबत ना आए पिछली साल की तरह, इसीलिए ये प्रिकॉशंस लिए गए और सारी ड्रेनों को साफ कराया गया है।